नेता हो, तुम नेता हो, तुम नेता हो नहीं ना, चुप, एकदम चुप रहो, उंगली नीचे करके बात करो। एक मिनट हाँ बोलिए, किससे मदद चाहिए, किससे मदद, किससे मदद चाहिए? पप्पू यादव आपको गोद लिए, इन सोनू सूद आपको गोद ले लिए, बोले कि हम एडमिशन करा रहे हैं, इन सब स्कूलों में क्यों नहीं जाते हैं आप? आप नेता है, वो एडमिशन का स्कूल का नाम नहीं लिया, नहीं नाम लिया, नहीं, रोने से कोई दिक्कत नहीं है? एक मिनट सुनो सोनू, हाँ बोलो, आराम से जवाब दो सोनू, सुनो, क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? आप आप ही बताइए, हम कितना शांति से पूछे, मीडिया वाले हमको तंग कर, अरे सुनो छोटू, और तंग करेंगे, रोज तंग करेंगे हम, दो दिन और आके तंग करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेता तो क्यों नेतागिरी कर रहे हैं? तुम्हारे जैसा क्यों आया यहां पर? मेरे जैसा का काम है जाना, अधिकार है जाना, किसी को कराना काम है तुम्हारा? नहीं, हाल ही में बिहार में सोनू कुमार नाम के एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में बच्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर पढ़ाई के लिए मदद मांगते हुए नजर आया था। वहीं इस बच्चे का अब एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पत्रकार ने सोनू से जब सवाल पूछा तो सोनू रोने लगा। सुनो 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 सुनो, चिल्लाओ नहीं, सुनो सुनो, कौन तुम सुनो, शांत रहो, सुनो, राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, आराम से जवाब दो सोनू, सुनो, क्यों क्यों पढ़ाई सुनो, बिहार के जनता बताओ, बिहार के जनता जनता बता देगा, तुम जवाब दो ना, तुम जवाब दो ना, हमको परेशान किया गया, अरे ठीक है, तुम सुनो ना, अरे यार सोनू सुनो तो, सब ठीक है, एकदम ठीक है सोनू, एकदम ठीक है। पत्रकार ने जब इंटरव्यू लेना शुरू किया तो सोनू सवाल का जवाब भी देने लगा, लेकिन जब सोनू पत्रकार के सवाल में फंस गया तो वो रोने लगा। किसको पढ़ाता था? बच्चों को। कितना बच्चा को? 35 बच्चा को। अभी वो बच्चा कहाँ है? पासवान नगर में है। क्या पढ़ाते थे? जो उसको नहीं आता था वो बताते थे। ठीक है, पर तुम तो नीतीश कुमार जी के पास गए थे खाली शिक्षा का अधिकार मांगने के लिए, स्कूल का नाम लेके तो तुम नहीं गए थे कि हमको उसी स्कूल में पढ़ना है, तुम तो चाहते थे कि हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो अब सोनू के मन में ये लालच का, एक मिनट, अब सोनू के मन में लालच कहाँ से आया कि अगर हम पढ़ेंगे तो उसी स्कूल में पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे? वन मिनट, अब एक बात बताइए। हाँ बताइए। उन्होंने किस चीज का एडमिशन बता दी, आप बताइए, उन्होंने किस चीज का आश्वासन दिया था? किसने? माननीय बिहार के मुख्य, आप बताइए किस चीज का आश्वासन दिए थे? आपसे हम सवाल, हम आपसे सवाल करने आए हैं, आप हमसे सवाल नहीं कर रहे सोनू जी, आप बताइए कि आपको नीतीश, एक मिनट, आपको नीतीश कुमार क्या आश्वासन दिए थे आप हमको बताइए? एडमिशन का। किस में? नाम लिए थे? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम पढ़ेंगे तो सैनिक स्कूल में या सिमरतुल्ला में ही पढ़ेंगे? कैसे कहिएगा? वो आप पढ़ने गए थे ना, आपको सुशील कुमार मोदी जी गोद लिए आपको, बोले ना कि गोद लिए, पप्पू यादव आपको गोद लिए, इन सोनू सूद आपको गोद ले लिए, बोले कि हम एडमिशन करा रहे हैं, इन सब स्कूलों में क्यों नहीं जाते हैं आप पढ़ने? एक बात बताइए। हाँ बताइए। आपको माता कहेंगे, हाँ? कि हम तुमको साइकिल लेकर के देंगे, हाँ? तो अब दूसरे के माता से मांगेगा? जब दूसरे के माता से हम मांगने चले जाएंगे उसके बाद अगर हमको देगा तो लेना पड़ेगा ना, आप तो हाथ जोड़ के नीतीश जी से मांगने गए ना जी। सुनिए ना, हाँ, घुमा फिरा कर राजनीति हमको, हम कर, आप नेता है? नहीं। आप क्या तो है? आप नेता है? अगर आप नेता है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अगर आप नेता नहीं है तो हम राजनीति नहीं कर रहे। जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि आप सोनू सूद के स्कूल में, पप्पू यादव के स्कूल में और सुशील मोदी जी स्कूल में एडमिशन कराने की बात आपको किए उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? उसमें हम इसलिए नहीं जा रहे हैं ना कि वो बाउंड जिससे सरकार एडमिशन का आश्वासन दिए है तो हम उसको छोड़ कर उसमें कहां जाए? तो सरकार किस स्कूल में आश्वासन दिया है आपको? उसी से जाकर के पूछिए। आपको सरकार आश्वासन किस स्कूल में दिलाया था? वो एडमिशन का स्कूल का नाम नहीं लिया। नहीं नाम लिया? नहीं। रोने से कोई दिक्कत नहीं है? एक मिनट आप एक मिनट सुनो सोनू, हाँ बोलो। आर के सिन्हा तुमको देहरादून के स्कूल में घूमने के लिए भेजे थे ना, बोले है ना, एक मिनट, तुम्हारा सुनो चिल्लाओ नहीं, सुनो सुनो, कौन तुम सुनो, शांत रहो, सुनो, राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, आराम से जवाब दो सोनू, सुनो, क्यों क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? दरअसल पत्रकार का कहना है अगर पढ़ाई ही करनी है तो सैनिक स्कूल में ही क्यों, फिर नीतीश सरकार पर ही क्यों उम्मीद लगाए हुए हैं?
पत्रकार ने पूछा, आपको गोद भी लिए हैं, स्कूल में नामांकन करना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं जाते स्कूल? सुशील कुमार मोदी जी गोद लिए आपको, बोले ना कि गोद लिए, पप्पू यादव आपको गोद लिए, इन सोनू सूद आपको गोद ले लिए, बोले कि हम एडमिशन करा रहे हैं, इन सब स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं आप पढ़ने? एक बात बताइए। हाँ बताइए। आपको माता कहेंगे कि हम तुमको साइकिल लेकर के देंगे, तो अब दूसरे के माता से मांगिएगा? जब दूसरे के माता से हम मांगने चले जाएंगे, उसके बाद अगर हमको देगा तो लेना पड़ेगा ना। आप तो हाथ जोड़ के नीतीश जी से मांगने गए ना जी। सुनिए ना, घुमा फिरा कर राजनीति हमको। सोनू का कहना है, अभी मैं वायरल हुआ हूँ इसलिए मुझे मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं। आगे कहा, आपका सवाल है, जवाब नहीं है। लेकिन पत्रकार ने कहा, आपसे पूछकर पत्रकार सवाल करेंगे जिसमें आपको खुशी लगेगी। तुम नेता हो, चुप। एकदम चुप रहो, उंगली नीचे करके बात करो। वायरल हुए हैं ना? क्या वायरल हो गए? कौन किया तुमको वायरल? किया कौन तुमको वायरल? तो तुम किससे बदतमीजी में बात कर रहे हो? किससे? ये क्या है? ये मीडिया है कि नहीं है? दूसरा चैनल। मीडिया का कोई चैनल नहीं होता है, मीडिया होता है। ठीक है, पहले आराम से जवाब देना शुरू करो, पहले शांति से। कोई तुमसे नहीं देना है? क्यों नहीं देना है? क्यों नहीं देना है? क्या जवाब है? तुमसे पूछ के सवाल करेगा आदमी कि जिसमें तुमको खुशी लगेगा वही सवाल करेगा? तुम 5 दिन से पूरे बिहार में माहौल बना के रखे हो कि सोनू को कोई गोद नहीं ले रहा है। तुमको आरके सिन्हा बोले ना जाके देहरादून में स्कूल देख के आओ। वो एक मिनट चुप, मैं सवाल नहीं खत्म हुआ। पहले इसको बोलिए, चुप रहने, पहले इनको बोलिए। इतना ही नहीं, सोनू के साथ बैठे एक सज्जन भी पत्रकार के सवाल से भड़क गए और सवाल जवाब होने लगा। आप जवाब देंगे? अरे ये जब नीतीश कुमार से बोल के आया, नीतीश कुमार के अलावा इसको 75 आदमी बिहार में चाहता है कि आईएएस बने। मारो तुमने, पहले हम अपना सरकार जो है सरकार के बलबूते पर लड़ेंगे कि आम आदमी के बलबूते पर लड़ेंगे? सिर्फ सरकार से ही आपको एडमिशन चाहिए? सरकार से ही चाहिए? यही सुनने आए हैं कि सिर्फ सरकार से आपकी मांग है या आम पब्लिक से भी? क्योंकि इसका मदद सिर्फ सरकार नहीं कर रहा है, इसका मदद आम पब्लिक भी कर रहा है, इसका मदद वो आदमी भी कर रहा है जो इसके वीडियो को शेयर कर रहा है, इसका मदद वो आदमी भी कर रहा है जो इसके वीडियो पे कमेंट कर रहा है, एक मिनट, इसका मदद वो व्यक्ति कर रहा है जो पटना से मेरे जैसा चल के 300-400 किलोमीटर से आ रहा है, इसका मदद हर व्यक्ति बिहार में कर रहा है कि सोनू आईएएस बने, और आप चाहते हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार इसका मदद करे? संभव है? जब संभव है। अरे आपके बेटा को पढ़ाना है, जब त्याग दिए तो फिर क्यों कहते हैं कि सैनिक स्कूल? आप दोनों बात आप बोल रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप नीतीश को, एक मिनट। हाँ बोलिए, किससे मदद चाहिए? बताइए। जिस स्कूल में पढ़ना चाहेंगे ना, उस स्कूल में कमा के पढ़वाइए। अगर ऐसे पढ़वाना है तो कमा के पढ़ाइए ना, अगर ऐसे पढ़वाना है तो अपने पैसा से पढ़वाइए। तेल लगा रहा है। क्यों कहता है कि सोनू सूद आएंगे तो हम एडमिशन कराएंगे? क्यों पूरे बिहार को बदनाम करवा रहा है? आप लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे बैठ के, आप गोद में बैठा के नेतागिरी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं आप? अगर आपके पास नेतागिरी करने के लिए पैसा है तो आपने आप क्यों नहीं पढ़वा रहे? आप भी नेतागिरी कर रहे हैं ना जी, आप भी जगह पे जाके बोलिएगा कि हम नेता है, आप अपने पैसा से क्यों नहीं इसको पढ़ा रहे हैं? हालांकि ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, ये वीडियो आने के बाद लोगों के कमेंट आने लगे हैं।